जब मैं बोलता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं होना चाहिए पुरुष को, या एक पुरुष को एक महिलाओं को होते हुए दूसरा महिलाओं को शादी नहीं करना चाहिए, ये क्या ध्रुवीकरण बोलता है? हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, आप कैसे तरह कौन सा सब में मैंने अगर 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 मैं बोलता हूँ कि देश में रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, देश में पीएफआई का बैन होना चाहिए, देश में पाकिस्तान से मुंबई में आतंकवाद नहीं आना चाहिए, वो कैसा ध्रुवीकरण है? हाँ, ध्रुवीकरण हो सकता है भारत एंड एंटी भारत, बट बाकी हमारा बीच में वो कौन सा ध्रुवीकरण? एंटी भारत कौन है? जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाला टेरर का बारे में आप बात मत करो, जो लोग बोलता है कि आप तलाक का बारे में बात मत करो, जो लोग बोलता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का बारे में बात मत करो, जो लोग बोलता है भगवान श्री राम का बारे में बात मत करो, जो लोग बोलता है क्रिश्चियन का बारे में बात मत करो, वही लोग एंटी भारत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो आप लोग बहुत करते हैं, अब तो गुजरात के लिए बना भी दी गई है, आम आदमी पार्टी के लिए पूरे देश के लिए क्यों नहीं बना देती है बीजेपी? पूरा देश के लिए ना, ये स्टेट इलेक्शन सा रेफरेंडम, हमें उत्तरांचल में वोट जीता, अभी गुजरात में जीतूंगा, ऐसे जब एक माहौल बनेगा देश में कि पीपल आर फॉर यूसीसी, हमें कानून लाऊंगा। हर मोर्चे पर जाकर आप आफताब और श्रद्धा का मामला जरूर उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाना चाहिए? आपको नहीं लगता है श्रद्धा का साथ जो हुआ गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था हमारा देश में, हमारा देश का कलंक है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का सरकार रहता है, श्रद्धा बहन जाके वहां में एफआईआर दर्ज करता है कि मेरा आफताब से खतरा है, वो एफआईआर कैसे उद्धृत हुआ? आप बताओ, ये तुष्टीकरण नहीं है? विरोधी दल कह रहे हैं कि दरअसल इसमें भी हिंदू मुसलमान देख रही है बीजेपी। पहला बात है, ये मुझको लगता है उसमें हिंदू मुसलमान है, अगर आफताब मुसलमान नहीं होता था शायद कांग्रेस गवर्नमेंट वुड हैव इंक्वायर्ड द मैटर। किसलिए कांग्रेस को डर लगता है कि हमें कोई मुसलमान का खिलाफ कुछ करूंगा तो समाज हमको खराब पाएगा, लेकिन वो बात नहीं, मुसलमान में भी राइट थिंकिंग पीपल है, अगर उस समय अगर आफताब को आप अरेस्ट कर लेता था, मुसलमान भी, मुसलमान का अंदर में भी बहुत सारे सही लोग है जो आपको धन्यवाद देता था। आप ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कांग्रेस की जो सरकार महाराष्ट्र में थी आफताब को इसलिए बचाने का काम किया गया क्योंकि वो मुसलमान था, लगता है उनको लगता है कि आफताब का खिलाफ मैं काम करूंगा तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, लेकिन वो सच नहीं है, मुसलमान में भी इतना लोग है जो चाहता है कि उस आफताब का फांसी हो जाए, लेकिन उनका रॉन्ग असेसमेंट है, वो समाज को पढ़ने नहीं जानते है, वो समाज को खाली एपीजमेंट का दृष्टि से ही पढ़ता है। टुकड़े टुकड़े करने वाला एक और मामला राजधानी दिल्ली से आया है सामने, आज ही आया है, हिंदू परिवार है जहां पर माँ और बेटे ने पिता को पहले काटा फिर फ्रिज में रखा उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया। देखिए देखिए, आप एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर मत कीजिए, हिंदू समाज में भी अपराध है, मुसलमान समाज में भी अपराध है, लेकिन जब आप फेसबुक में अलग नाम लिखते हो, लड़की जब आपसे क्लोज हो जाता है तो दूसरा नाम लिख देते हो, दूसरा नाम उनको बोलते हो, केरला हाईकोर्ट में भी उसका नाम लाभ जेहादी दिया है, एप्पल और ऑरेंज का बीच में आप कंपेयर मत करो। लाभ जेहाद को कानून उसको दायरे में लाकर उसको खत्म किए जाने की जरूरत है, आप कई मंचों पर गिना चुके हैं, क्या दिक्कत हो रही है बीजेपी को, ले आइए कानून आप। हम ले आऊंगा, सुना लेकर आएंगे, जब जब समय होगा सुनाव में हम लोगों से ये बात करता हूँ, लोगों से अप्रूवल लेता हूँ, फिर कानून लाता हूँ। हमने पहले राम मंदिर का बात किया, राम मंदिर कानून लाया, 370 का बात कोई लाया। तारीख अभी नहीं है कि लव जिहाद कानून का लोगों को तो पहले अगर आप एक कानून ही बनाएगा, लोगों में जागरूकता नहीं है, बिना जागरूकता कोई कानून का वैल्यू है क्या? आपको बिना जागरूकता आप कोई कानून देश में नहीं चलता है, देश में बहुत सारे कानून है लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है, जब जागरूकता नहीं है लोग कैसे एफआईआर करेगा? तो अभी आप जागरूक बनाने अभी लोगों को जागरूक भी बनाना पड़ेगा, कानून का ड्राफ्टिंग भी चलेगा और कानून भी पास होगा। ठीक है, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम के आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं मैं उस पर आऊंगी। नहीं नहीं, वो आरोप नहीं, वो गर्व का बात होता है, गर्व की बात है ये, अगर आप कोई मुसलमान महिलाओं का बात उठाता है उसके लिए लोग बोलते हैं आपको हिंदू मुसलमान बोल रहा है, अगर कोई बोलता है यू हैव टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज वाई यू आर पोलराइजिंग द कंट्री,
हमें तो अपना एजेंडा में रहना है, ये तो मेरा मेरे लिए गर्व का बात है कि मैं मुसलमान बेटियों का बात दिल खोल के पूरा एकदम जोर से उठा रहा हूँ। हिंदुत्व है ना इसमें, लेकिन उसमें आप आपको, हिंदुत्व का झंडा उठा आपको कर आपको हिंदुत्व देख रहे हैं, मुझको तो वुमेन एम्पावरमेंट देख रहा हूँ, ये नजरिया का डिफरेंस है, हिंदू मुस्लिम नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है वो है तो है, लेकिन मेरे मन में है कि दिस इज अ वुमेन एम्पावरमेंट। अब लौट कर आते हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। गुजरात चुनाव में अलग अलग जगहों पर आप प्रचार के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी और आरएसएस से मैं कैसे ताकत ले लेता हूं, तो वो आप लोगों की ताकत को खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, और सुनाओ गुजरात में है और मध्य प्रदेश में ताकत ले रहे हैं। क्रिकेट खेल खेला जाता है मैदान में, राहुल जी ड्रेसिंग रूम में ताकत लेता है और ऐसा ताकत उनको लेते रहना चाहिए। अगले बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा उनको असम में जाके ताकत लेना चाहिए, जब असम में चुनाव होगा उनको यूपी में जाके ताकत लेना चाहिए। लेकिन एक फॉर्मूला तो बता रहे हैं ना कि आप लोगों अच्छा है, ऐसा फॉर्मूला हमको सूट करता है, सूट कर रहा है ये फॉर्मूला। चुनाव गुजरात में हो और आपका फॉर्मूला मध्य प्रदेश में है, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा फॉर्मूला जम्मू में ले जाओ, तो ऐसा तो सूट करता है ना। एक चीज और है, राहुल गांधी को लेकर आप अक्सर उनके लुक को लेकर हमलावर हैं, सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना करने की क्या जरूरत है? कभी बहादुर शाह जफर का आप नाम, मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, आप कह रहे दाढ़ी कटवाओ और राहुल गांधी ओरिजिनल दिखाई। मैंने बोलता हूँ कि दाढ़ी कटवाने से आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा और अभी आपको सद्दाम जैसा देख रहा है, तो उसमें तो हर माँ बेटा को बोलता है बेटा तुम ऐसा मत ड्रेस करो, तुमको गलत दिख रहा है, तुम थोड़ा ठीक ड्रेस करो। आप भी तो अपना बेटा को बताते हो ऐसा, लेकिन आप बता रहे हैं ना राहुल गांधी 22 साल वो पार्टी में रहा, थोड़ा तो उनके लिए तो मेरा सिंपैथी है ही ना। दाढ़ी हटा दे, वो नेहरू जैसा देखेगा और दाढ़ी के साथ सद्दाम जैसा देखेगा। अरविंद केजरीवाल पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल लिखित में दे रहे हैं कि हमको गुजरात में इतनी सीटें आने जा रही हैं, अपने तीन तीन बड़ी चेहरों को लेकर उन्होंने आज ये हस्ताक्षर किया है बकायदा कागज में सीटें देने। हाँ, कागज में। मैं भी कागज लेकर बैठी हुई हूँ। इसको कागज में और हस्ताक्षर देता है गुजरात चुनाव जीतता है, लेकिन असेसमेंट कहाँ से आते है? तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन साहब उनको असेसमेंट दे के भेजा है, मालिश ले रहे हैं ना।